लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है, जहां मंगलवार को मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राम निवास रावत ने नामांकन दाखिल किया। वहीं विशाल जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस को समर्थन करने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिग्गज नेता मौजूद रहे। सन 45 स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी 45-50 रुपए की लगनी चाहिए तथा उस पर एडहेसिव स्टाम्प जो एक उच्च कमिश्नर या मतलब नोटरी लगाता है वो भी 50 रुपए के टिकट होना चाहिए। मैंने उसका जवाब ये दिया था कि ये जो संशोधन है वो सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी के लिए हुआ है। वो स्टाम्प हमने 45 की जगह 50 की जगह 100 रुपए का लगाया है, इसलिए इसमें कोई गंभीर त्रुटि नहीं है। मान भी लिया जाए कि ये तो हमने इनसे करवाया था, मान लो मजिस्ट्रेट से करवाते, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से करवाते, तो क्या वहाँ हमें इनके कोई एडहेसिव देनी पड़ती क्या? तो उसके ये विचार करते हुए ये पाया कि ये त्रुटि जो है नामांकन को रद्द करने लायक नहीं है, आपत्ति नष्ट की जाती है। किसने आपत्ति लगाई थी? आपत्ति लगाई थी कांग्रेस पार्टी ने और उनके अभिभाषक श्रीमान दीनदयाल जी शर्मा ने। अब क्या मान्य हुआ? अब मान्य हुआ, नामांकन हमारा स्वीकार कर लिया गया और उनकी आपत्ति नष्ट कर दी। कल तक की स्थिति में हमारे पास 27 जो है कैंडिडेट्स के फॉर्म्स थे, आज सुबह 11 बजे से सभी की समीक्षा की गई है और उसमें समीक्षा के बाद अभी हमारे पास 25 जो है वैलिडली नॉमिनेटेड बुद्धिमान्य कैंडिडेट्स बच रहे हैं। 2 अभ्यर्थियों की जो है नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया गया है, क्योंकि उसमें इस प्रकार की त्रुटियां थी कि कुछ ऐसे प्रपोजर्स थे जिनका नाम भाग संख्या में मिलान नहीं हो पा रहा है, तो वो 10 प्रस्तावक उनके नहीं हो पाए। और एक केस में ऐसे था कि प्रस्तावक का नाम और उसके सिग्नेचर का मिलान नहीं हो पा रहा, तो दोनों ही ऐसे कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया है जहां पे प्रस्तावकों की कमी है। भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध नामांकन को लेकर कांग्रेस में जो यहाँ के लिए बीजेपी कैंडिडेट है उनके लिए कांग्रेस एवं बीएसपी दोनों ही पार्टियों ने एक ऑब्जेक्शन प्रस्तुत किया था समीक्षा के दौरान, जिसमें उनका मुख्य रूप से ये कहना था कि जो शपथ पत्र देना होता है शपथ पत्र में जो नोटरी का स्टैंप लगता है वो वैल्यू जो है वो 50 रुपए से कम करना। इस पे फिर संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनको जवाब के लिए समय दिया गया और उन्होंने फिर अपना जवाब प्रस्तुत किया। फिर सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन नियमावली को पूरा अध्ययन करते हुए समीक्षा के उपरांत हमने ये पाया कि जो ये इस प्रकार की त्रुटि सामने लाई गई है इट इज नॉट ऑफ अ सब्सटैंशियल नेचर। कोई अगर ऐसा डिफेक्ट हो जिसकी त्रुटि इतनी बड़ी मानी जाए जिसके वजह से नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाता है उस प्रकार की त्रुटि नहीं थी। और दूसरा चीज ये है कि नोटराइज्ड और फुल्ली कंप्लीट एफिडेविट हमारे पास आया था, तो इस वजह से जो है वो एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट किया।